मेन कारण क्या होता है स्टूडेंट्स नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन ना होने का, क्या मेन रीजन? अगर आप मुझसे पूछोगे, जो भी मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं दो बातें कहूंगी। पहली चीज, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमें ओवरकम करना है, तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे, हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। पहला होता है रेस को बीच में छोड़ देना, रेस को बीच में छोड़ देना। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 इररेगुलरिटी होती जाती है, बैकलॉग क्रिएट होता जाता है, टेस्ट मिस करने लग जाते हैं, टेस्ट में नंबर गिरने लग जाते हैं, फिर और लेक्चर कम अटेंड करना शुरू कर देते हैं, और ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। क्योंकि नंबर कम आते हैं तो इंटरेस्ट लूज होता है, इंटरेस्ट लूज होता है तो हम और लेक्चर नहीं पढ़ते, फिर हम टेस्ट मिस करना शुरू कर देते हैं, और जनरली दिसंबर जनवरी तक आते आते हाथ खड़े कर देते हैं, हम रेस छोड़ देते हैं और सोचते हैं यार अब तो अगले साल ही देखेंगे। तो ये रेस किसी को नहीं छोड़ना है, और इसका सॉल्यूशन हम सबने मिलकर क्या निकाला है, क्या दिया है मैंने आपको, जागृति डायरी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो जागृति डायरी और एमसीडी लिस्ट जो मैं आपको बनवा रही हूं उसे बना रहे हैं और उससे फायदा हो रहा है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पर एमसीडी लिस्ट रोज भेजते भी हैं। मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट बनाना जो मैंने आपको सिखाया है, ये बहुत हेल्प करेगा इस रेस को अंत तक लेकर जाने में। क्योंकि जब कंसिस्टेंसी रहेगी, अपने आप लेक्चर्स रेगुलर करोगे, अपने आप डेली का काम डेली करोगे, अपने आप नंबर आएंगे और एंथुजियाज्म बना रहेगा, और हम दौड़कर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा पढ़ना। अब आप कहोगे कि मैम ज्यादा पढ़ना, ये तो अच्छी बात है ना, आप टीचर होके बोल रहे हो कि ज्यादा पढ़ना हमारे सिलेक्शन ना होने का कारण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ज्यादा पढ़ना, हमें उस घोड़े की तरह बनना है जो जब रेस में दौड़ता है तो ऐसे ब्लिंकर्स लगा लेता है। देखा है ना आपने घोड़े के दोनों तरफ, ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधे दौड़ता है। या जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दी थी, वैसे दौड़ना है। अब ज्यादा पढ़ने से मेरा क्या मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट रोज 15-20 मैसेज आते हैं, मैम नोट्स और डीपीपी सफिशिएंट है क्या, नोट्स और डीपीपी सफिशिएंट है क्या। मोर देन इनफ है, उसके अलावा टेस्ट के इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज्यादा पढ़ने से मेरा मतलब है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई लगाना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट एक टीचर, उन पर 100% फेथ, उनके 100% लेक्चर सुनना, 100% लर्न करना, 100% वो जैसा बता रहे रिवाइज करना, उनकी डीपीपी सॉल्व करना, एक टेस्ट सीरीज, एक मॉड्यूल, मोर देन इनफ है। हम क्या करते हैं, एक ही चैप्टर एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर से भी पढ़ लिया, तीसरे टीचर से भी पढ़ लिया, आगे वन शॉट आ रहा है वो भी अटेंड कर ली, कोई लाइव आ रही है किसी की यूट्यूब पर फ्री में वो भी अटेंड कर ली, ये नहीं करना है। अपना मॉड्यूल भी लगा लिया, किसी फ्रेंड ने कोई दूसरा मॉड्यूल बता दिया, किसी का कोई टेस्ट पेपर आ गया, 10 जगह की टेस्ट सीरीज, 10 जगह की डीपीपी, जिससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं हमेशा बोलती हूँ सिलेक्शन होता है एक को मास्टरी करने से, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बनने से कभी सिलेक्शंस नहीं होते हैं। तो एक टीचर एक नोट्स, एक टीचर की डीपीपीज, एक टेस्ट सीरीज, एक मॉड्यूल, आपका सिलेक्शन हो गई होगा। 10 जगह प्लीज मत फैलाइए, क्योंकि ये होता है बहुत ज्यादा, फ्रेंड्स स्पेशली लड़कों के साथ बहुत होता है, क्योंकि उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, तो आए दिन कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती है और आप डाइवर्ट होते रहते हो। ऐसा मत करिए, आप ट्रस्ट रखिए, चारों सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग कर पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट।